भगवा को अपना आराध्य देव मानते हुए, देव के साक्षी स्वरूप में समक्ष मानते हुए मां वसुंधरा धरती के चरणों में सादर नमन और प्रणाम करता हूं। आज मैं जब सोचता हूं हिंदू राष्ट्र के बारे में, हिंदू राष्ट्र के संगठित, हिंदू के संगठित होने के बारे में सोचता हूं, कई सारे हिंदू संगठनों के नाम मेरे जहन में आते हैं, विचार में आते हैं। विचार मेरे दिमाग में कौनता है, जब हर हिंदू संगठन का उद्देश्य और मकसद हिंदू की जागृति है, धर्म की जागृति है, सनातन की एकता है, तो ऐसे संगठनों का एक ही मंच पर एकत्रित नहीं होना, या ये कहा जाए कि हमारे उद्देश्य अलग हैं, तुम्हारी विचारधाराओं में ही विरोधाभास क्यों हो सकता है। अगर हम राष्ट्र के एक होने की बात करते हैं, हिंदू के एक होने की बात करते हैं, सनातन की एकता की बात करते हैं, समुख संप्रदायों को एक डोर में बांधने की, एक माला में पिरोने की बात करते हैं, तो यह तभी संभव हो सकता है। यह मेरी व्यक्तिगत विचारधारा है, इससे किसी का मेरे विचारों से मेल होना या उसे मानना अलग विषय हो सकता है। लेकिन मेरा ऐसा मानना है, जब तक हिंद देश में जितने भी हिंदू संगठन हैं, उनकी विचारधाराएं, उनकी सोच, उनके हाथ एक से एक नहीं होंगे, तब तक हिंदू राष्ट्र की एक संगठित परिकल्पना करना बहुत जटिल और बहुत मुश्किल है। हम किस समाज में संगठित होने का एक विषय या मानसिकता या ध्येय या मकसद तभी दे सकते हैं जब हम स्वयं संगठित हों। किसी विषय को लेकर के अगर कोई समाज का कोई संगठन, हिंदू संगठन, किसी विषय को लेकर के कोई भी संगठन हो अगर सामने आता है, तो अन्य संगठन देखने में आते हैं, खामोश रहते हैं। जबकि होना यह चाहिए, कुछ संगठन किसी विशेष व्यक्ति के द्वारा बनाया गया होगा, कोई संगठन किसी विशेष व्यक्ति के द्वारा बनाया गया होगा, कुछ समर्थक उनके होंगे, कुछ समर्थक उनके होंगे। लेकिन अगर हमारे मकसद एक हैं, हमारा उद्देश्य एक है, हमारा मार्ग एक है, हिंदू राष्ट्र की उन्नति, हिंदू की उन्नति हमारा उद्देश्य है, हमारी जागृति हमारा उद्देश्य प्रमुख है, भारतवर्ष हमारा प्रमुख उद्देश्य है, भारतवर्ष के प्रति निष्ठा हमारा उद्देश्य है, हिंदू को प्रबल करना, संगठित करना हमारा उद्देश्य है, तो ऐसी स्थिति में सम्मुख हिंदू राष्ट्र के हिंदू संगठनों को एक मंच पर एकत्रित होना, अपने आप को हाथ से हाथ मिलाना अति आवश्यक है। और जिस दिन इस देश में संगठित सभी हिंदू संगठन एक हो जाएंगे, मेरा विश्वास है कि हिंदुस्तान के सभी संप्रदायों को एकत्रित करना, एक मंच पर लेके आना कतई संभव नहीं होगा। लेकिन उसके पहले संभव है हमें एक मंच पर एकत्रित होना, सभी भगवाधारियों को, हमारा भगवा ध्वज है, भगवा हमारा रंग है, और भगवा ही हमारी पहचान है, भगवा हमारी निष्ठा है, भगवा हमारा विचार है, भगवा हमारी सोच है, भगवा हमारा दिल है, भगवा हमारा रक्त है, भगवा हमारी जान है, भगवा हमारी प्रेरणा है, भगवा हमारा आन है, बान है, शान है। अगर हर संगठन, हिंदू संगठन जो कि हिंदू की जागृति में, उन्नति में, उत्थान में ये विचारधारा रखता है, जब भगवा एक है तो हम अलग अलग कैसे हो सकते हैं। हो सकता है हमारे मत अलग हो, लेकिन विचार तो एक है हमारा, मात्र हिंदू एकता, हिंदू राष्ट्र का निर्माण करना हमारा मुख्य उद्देश्य है। अगर ये मुख्य उद्देश्य है तो सभी हिंदू संगठनों को एक मंच पर एकत्रित होकर के हर हिंदू आह्वान का करना, हिंदू समाज का आह्वान करना, हिंदू को संगठित करना, ये तभी संभव हो पाएगा जब मेरे इस देश के तमाम हिंदू संगठन एक साथ खड़े होंगे, एक मंच पर होंगे और एक साथ उद्घोष करेंगे कि आओ, मेरी कोई जाति नहीं, मैं हिंदू हूं, समग्र राष्ट्र मेरा भगवा है, समग्र राष्ट्र मेरी निष्ठा है, समग्र राग मेरी आत्मा है। ये उद्घोष जिस दिन एक मंच से सभी संगठन कर देंगे, मान के चले मेरा राष्ट्र हिंदू राष्ट्र का ही सपना हम सब लोगों का पूर्ण हो पाएगा, सफल हो पाएगा। सनातन धर्म की जय हो, भगवा की जय हो, मातृभूमि की सदा नमन, प्रणाम।